यस, बीएससी द्वितीय वर्ष के सभी विद्यार्थी ध्यान दें, सामने देखें स्क्रीन के ऊपर। अब आपका आज का जो अंतिम व्याख्यान है वो प्राणिशास्त्र विषय से लिया गया है। और बच्चों, मैं डॉक्टर आलोक वर्मा गवर्नमेंट कॉलेज मंडीदीप से हूँ, और आपको मैं जिस विषय के ऊपर व्याख्यान देने जा रहा हूँ वो है फाइलम कॉर्डेटा का क्लासिफिकेशन। बच्चों, मैं बताना चाहूंगा कि इसके पहले एक व्याख्यान और मैंने दिया था जिसमें हमने फिशेस तक माने पाइसीस क्लास तक का वर्गीकरण मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, और जिसमें हम संघ कॉर्डेटा के लक्षण, इनकी उत्पत्ति के बारे में और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप वगैरह के बारे में, कनेक्टिंग लिंक्स के बारे में, ये हम आपको एक व्याख्यान में बता चुके हैं पहले। वैसे अपने आप में फाइलम कॉर्डेटा का क्लासिफिकेशन काफी बृहत है और इसको पढ़ाने के लिए एक लंबा समय भी चाहिए, लेकिन हम ये चाहेंगे कि बच्चे इस व्याख्यान के माध्यम से सभी वर्गों के बारे में अच्छे से जानकारी ले पाएं और उनके जो बेसिक करेक्टर्स हैं उनको समझ पाएं। और पार्कर एंड हॉसवेल ने जो 1988 में जो आपको लेटेस्ट एडिशन है क्लासिफिकेशन का, उसको भी समझ पाएं और इस तरह से इसकी तैयारी करें। यद्यपि जब हम वर्गीकरण की बात करते हैं तो वर्गीकरण में संघ कॉर्डेटा का जो वर्गीकरण है इसमें आप देखेंगे कि फाइलम कॉर्डेटा के वर्गीकरण के व्याख्यान को सुनने के पीछे जो हमारा उद्देश्य है, सबसे पहले तो उसको जानिए। ओरिजन, क्लासिफिकेशन एंड कैरेक्टर्स ऑफ कॉर्डेटा, जिसमें से हम ओरिजन आपको पढ़ा चुके हैं और कैरेक्टर्स के बारे में बता चुके हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे कि जो विभिन्न वर्ग हैं संघ कॉर्डेटा के, उनके लक्षण क्या है और उनका क्लासिफिकेशन, उनको किस प्रकार से क्लासिफाई किया है अकॉर्डिंग टू पार्कर एंड हॉसवेल। और इसी क्रम में हमको देखना होगा इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस। बच्चों, वर्गीकरण पढ़ना इसलिए बहुत आवश्यक है कि जब भी हम लोग प्रैक्टिकल क्लास में भी, आप जब म्यूजियम स्पेसिमेंस देखते हैं, अलग अलग वर्गों के प्राणियों में जो डायवर्सिटी देखते हैं, तो आपके मन में विचार आता होगा कि इतनी भिन्नता क्यों है। और वहीं दूसरी ओर आप ये भी देख पाते हैं कि विभिन्न प्राणियों में कुछ मूलभूत समानताएं भी हैं। तो जो मूलभूत समानता है वो उनकी एफिनिटीज को, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप को प्रकट करती है। उन सारी बातों को भी हमें पढ़ना है, मतलब समानताओं को भी देखना है, और उसके बाद जब हम उनमें कुछ विभिन्नताएं देखते हैं, अंतर देखते हैं, डिसिमिलरिटीज देखते हैं, तो वो असमानताएं क्यों उत्पन्न होती हैं और उसके पीछे कारण होता है इवोल्यूशन, जिसे हम उद्विकास भी कहते हैं, उत्पत्ति और उसके बाद होने वाले निरंतर परिवर्तन जो प्राणियों में नए नए लक्षण उत्पन्न करते हैं। और ये नए लक्षण वातावरण के कारण भी होते हैं, पर्यावरण के कारण भी होते हैं जहां पर ये जंतु पाए जाते हैं, क्योंकि जंतुओं के जीवन का जो मूल उद्देश्य है वो है सफलतापूर्वक जीवन यापन करना, एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना, और उसके बाद अपने समान नए प्राणी को उत्पन्न करना, अर्थात उसको हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप जान पाएंगे कि क्या सिग्निफिकेंस है वर्गीकरण का। इसी तरह से हम लोग थोड़ी सी बायोडायवर्सिटी भी देखेंगे कि कशेरुक प्राणियों में किस प्रकार की विविधता है। प्रियर नॉलेज में सभी बच्चे जानते हैं कि प्राणी और वनस्पतियों में क्या अंतर होता है, अकशेरुक और कशेरुक में क्या अंतर है, यह आपने 12th तक पढ़ा है। और साथ ही साथ थोड़ा सा आप जानते हैं कि बायोडायवर्सिटी का मतलब क्या होता है, जीवों में पाए जाने वाली भिन्नता, जिसे हम बायोडायवर्सिटी कहते हैं। और अभी अभी मैंने आपको एवोल्यूशन के बारे में बताया कि डिसेंट विथ मॉडिफिकेशन, उत्पत्ति और उसके बाद होने वाले क्रमिक रूपांतरण, जिसको हम एवोल्यूशन कहते हैं। अब यहां पर देखिए, जो अगली स्लाइड में आपको दिखा रहा हूं ये डायवर्सिटी को दिखला रही है कि कशेरुक प्राणियों में, जिनको हम वर्टिब्रेट्स भी कहते हैं, इन प्राणियों में आप पाएंगे कि देखिए सबसे ज्यादा संख्या में है 42.6% मछलियां हैं जो पानी में पाई जाती हैं। और उसी तरह से उस क्रम में आप देखिए कि काफी कम परसेंटेज में आपको 6.6% एम्फीबियंस हैं, और इसी तरह से रेप्टाइल्स देखेंगे जो 16% हैं, और रेप्टाइल्स के बाद में बर्ड्स हैं जो लगभग 23% हैं, और उसके बाद मेमल्स हैं जो 12% है। इस पूरी डायवर्सिटी, ये जो आपके सामने है वर्टिब्रेट्स की, और इनमें से हम मछलियों के बारे में तो आप पढ़ चुके हैं, आज हम लोग चार वर्गों के बारे में विशेष रूप से पढ़ेंगे, वो है उभयचरी, सरीसृप, पक्षी और स्तनधारी, जिनको हम अंग्रेजी में एम्फीबिया, रेप्टीलिया, बर्ड्स और मेमल्स कहते हैं। अब ये जो चार नीचे के आप समूह देख रहे हैं, इसमें एम्फीबिया की संख्या आप देखिए सबसे कम है, तो इसकी वजह क्या है? तो ये आगे के व्याख्यान में, आगे तो हम लोग इसको विस्तार से जानेंगे, लेकिन यहां इस बात को मूलतः समझिए कि कशेरुक प्राणी अलग अलग प्रकार के वातावरण में हैं। जैसे मछलियों को आपने देखा कि वो पानी में पाई जाती थी, और उनमें पूरी तौर से एक्वेटिक अनुकूलन, जिनको एक्वेटिक एडेप्टेशन कहते हैं, वो पाए जाते थे। स्ट्रीम, स्लिम,
शरीर जो पानी में मिनिमम फ्रिक्शन के साथ में वो स्विम कर सके, तैरने के लिए इनमें फिन्स पाए जाते हैं और ऑस्मो रेगुलेशन को फुलफिल करने के लिए उस रिक्वायरमेंट को इनके ऊपर स्केल्स पाए जाते हैं, शल्क पाए जाते हैं और ये गिल्स के द्वारा श्वसन करती थी। साथ ही साथ लेटरल लाइन ऑर्गन भी इनमें था जिसको न्यूरोमास्ट ऑर्गन भी कहते हैं, जो रियो रिसेप्शन का काम करता था अर्थात पानी की तरंगों के साथ शरीर के संतुलन को बनाने में मदद पहुंचाता था। अब मछलियां जो है अगर हम पानी से बाहर निकालेंगे तो सब बच्चे जानते हैं कि मछलियां बिना पानी के जीवित नहीं रह सकती हैं, क्योंकि कहते ही हम लोग मछली जल की रानी है, ठीक है ना, और इसका जीवन पानी है। तो मछली को हम बाहर रख ही नहीं सकते, वो पानी में ही रहती है, पूरी तौर से एक्वेटिक एनिमल है। बच्चों जिस पानी में मछलियां सरवाइव कर रही हैं आप मान के चलिए कि वो पानी जो है उपयोग के लिए उपयोग में लाया जा सकता है, माने दैट इज ए पोटेबल वाटर, क्योंकि फिशेज दे आर द बेस्ट बायो इंडिकेटर टू चेक द लेवल ऑफ वाटर पॉल्यूशन। तो एक तरह से हम इनको इस प्रकार के सूचकांक के रूप में प्रयोग करते हैं। अब मछलियों के बाद जब हम उभयचरी की बात करते हैं, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि इनकी लाइफ कैसी होती है, ड्यूल मोड ऑफ लाइफ, मतलब ये पानी में भी रहते हैं और जमीन पर भी रहते हैं, मतलब इनका जीवन कैसा होता है, एम्फीबियस होता है। और एम्फीबियस होने के पीछे जो वजह है कि दे नो हाउ टू लिव ऑन लैंड बट दे डू नॉट नो हाउ टू ब्रीड ऑन लैंड। ये जमीन पर रहना तो जानते हैं बच्चों, लेकिन प्रजनन करना इनको नहीं आता है और इसलिए इनको वापस पानी की तरफ लौटना पड़ता है। एक लंबे समय तक उभयचरी प्राणियों ने इस प्रकार के प्रयास किए कि वो पानी में भी रह सके और जमीन पर भी रह सके। और बच्चों कुछ विशेष कारणों से, जिसमें कि एक पर्यावरणीय प्रदूषण भी एक बहुत बड़ा कारण है, जिस वजह से निरंतर इनकी संख्या घटती जा रही है। आपको याद होगा जब बारिश के दिन आते थे तो हम अपने घरों के आसपास मेंढक की टर-टर की आवाज सुनते थे और मेंढक को बड़े आसानी से हम देख पाते थे। अब आजकल कितना मुश्किल हो गया है, अगर हमको मेंढक को ढूंढना भी पड़ता है और बारिश के दिनों में ही ये कहीं कहीं दिखाई देते हैं। वैसे अगर आप देखें तो इनकी संख्या निरंतर घट रही है और यही वजह है कि आपके सिलेबस में भी पहले डिसेक्शन हुआ करता था फ्रॉग का, अब वो डिसेक्शन जो है धीरे धीरे बंद कर दिया गया है, क्योंकि इनकी प्रजाति जो है संकट में है और ऐसा ना हो कि ये पूरी तौर से ही गायब हो जाए। तो एम्फीबियंस जो है हमारी एक ऐसा वर्ग है जो एक्सप्लॉइटिंग क्लास है, कशेरुक प्राणियों का एक्सप्लॉइटिंग क्लास। बच्चों एक बात और ध्यान दीजिए कि मछलियों से जब हम अपनी बात शुरू करते हैं तो विकास के क्रम में यही पहले ऐसे कशेरुक प्राणी हैं जिनमें जबड़े पाए जाते हैं। तो यू कैन से दे आर द फर्स्ट नेथोस्टोम्स विच आर फाउंड इन वाटर। और मछलियों के बाद मेंढक दूसरा हमारा ऐसा समूह है जो पानी में भी रहते हैं और जमीन पर भी रहते हैं, और जमीन पर रहने के लिए इनमें श्वसन के लिए विशेष प्रकार की पल्मोनरी रेस्पिरेशन अर्थात फेफड़े पाए जाते हैं, और वहीं ये त्वचा के द्वारा भी श्वसन करते हैं और विस्तार से भी आगे अपन लोग चर्चा करेंगे। इसी क्रम में रेप्टाइल्स को आप देखेंगे जो फर्स्ट ट्रू लैंड वर्टिब्रेट्स हैं, ये प्रथम पूर्णतः स्थलीय कशेरुक प्राणी हैं जिनमें वो सारे अनुकूलन पाए जाते हैं जो स्थलीय प्राणियों में होना चाहिए। और जमीन के ऊपर विशेष रूप से जमीन पर जब आएंगे तो सबसे पहली जो समस्या आ रही है इनके सामने वो क्या आती है बच्चों, डेसिकेशन, क्योंकि सनलाइट सीधे इनके शरीर पर पड़ती है और इनका पूरा शरीर सूखने लगता है, शरीर में से वाटर लॉस शुरू हो जाता है। तो उसको मिनिमाइज करने के लिए जितने भी रेप्टाइल्स हैं, अब आप अपने मन में कल्पना करिए छिपकलियों की, स्नेक्स की, क्रोकोडाइल्स की, टर्टल, टॉर्टाइल्स, टेरापाइंस, ये सारे के सारे जो हैं रेप्टाइल्स, इनकी त्वचा सूखी और खुरदुरी होती है और उसमें स्केल्स पाए जाते हैं ताकि पानी का जो लॉस है, टू मिनिमाइज द वाटर लॉस, पानी के लॉस को कम किया जाए। और साथ ही साथ रंग बदलने की अद्भुत क्षमता इनमें पाई जाती है। और एक विशेष बात है कि बच्चों ये विषैले हो जाते हैं या विष ग्रंथियों की उपस्थिति, नहीं तो इनको चींटी और दीमक ही खा जाएंगे। आप कल्पना करिए जमीन के ऊपर स्नेक जा रहा है और अगर उसमें ये सारी चीजें ना हो तो वो सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा। और यहां रेप्टाइल्स के बाद जो हमारी विकास की कहानी है बच्चों, इवोल्यूशन की जो पूरी स्टोरी है, उसमें आप एक देखेंगे कि एक समय था, आगे भी आपको मैं थोड़ा सा एक जियोलॉजिकल टाइम स्केल दिखाऊंगा, तो आप पाएंगे कि जो मीजोजोइक एरा था, जिस समय इस दुनिया में सिर्फ और सिर्फ रेप्टाइल्स ही रेप्टाइल्स थे और उसमें भीमकाय बड़े आकार के रेप्टाइल्स थे जिनको हम डायनासोर्स कहते हैं। बच्चों ये क्रिटेशियस, जुरैसिक और ट्राइजिक पीरियड था और पूरी दुनिया में इन्हीं का साम्राज्य था। कालांतर में क्या हुआ, कुछ विभिन्न ऐसी घटनाएं हुई, या तो ऐसा माना जाता है कोई एस्ट्रॉइड हमारी अर्थ के साथ हिट किया या ग्रीन हाउस इफेक्ट हुआ होगा, इन सारी वजहों से डायनासोर सारे समाप्त हो गए। और उसी समय लगभग 135 मिलियन ईयर्स एगो इन रेप्टाइल से ही दो शाखाएं आगे विकसित हुई, एक से पक्षियों का उद्भव हुआ और दूसरे से स्तनधारी जंतुओं का। तो कहने का मतलब आप ये आसानी से इस बात को समझिए और आप कह भी सकते हैं कि बर्ड्स एंड मैमल्स दे आर द ग्लोरीफाइड रेप्टाइल्स, हमारे और पक्षियों के जो पूर्वज हैं वो कौन है, रेप्टाइल्स हैं।
बच्चों, आप और हम इस क्लास में जितने भी लोग बैठे हुए हैं, आप स्टूडेंट्स हैं और मैं यहाँ पर विषय विशेषज्ञ के रूप में आपको पढ़ा रहा हूँ, हम दोनों ही क्या है, होमोसेपियंस। और हम लोग होमोसेपियंस प्राइमेट ऑर्डर के अंतर्गत वर्ग मेमेलिया में वर्गीकृत हैं। तो इसके बाद पक्षियों में आप पाएंगे एरियल एडेप्टेशन और मेमल्स में आप पाएंगे कि मल्टी डायमेंशनल लाइफ, मतलब ये भिन्न भिन्न प्रकार के वातावरण में निवास करते हैं और हर प्रकार के वातावरण में सफलतापूर्वक सक्षम जीव के रूप में निवास करने के लिए इनमें सभी प्रकार के विशिष्ट अनुकूलन पाए जाते हैं जो इनको एक सफल जीवन को व्यतीत करने में सहायता पहुंचाते हैं। तो बच्चों, मैमल्स के बारे में भी लोग पढ़ेंगे। आइए अब अगली स्लाइड में थोड़ा जियोलॉजिकल टाइम स्केल देखें। जब भी आप जंतु विज्ञान पढ़ें या वनस्पति शास्त्र पढ़ें, विभिन्न जीवों की बात करें, तो सारे बच्चे जियोलॉजिकल टाइम स्केल को याद रखिए। जियोलॉजिकल टाइम स्केल में जीवन की जो शुरुआत है वो आर्केन पीरियड के बाद से शुरू होती है और प्रोटीनोजोइक एरा जो कि लगभग 2500 मिलियन ईयर्स पहले का था। बच्चों ध्यान दो, 1 मिलियन मतलब 10 लाख, तो 2500 में 10 का लाख का गुणा कर दीजिए, तो उतने वर्ष पहले जो हमारी कल्पना से थोड़ा सा कल्पना करना भी मुश्किल हो रहा होगा, वो जो पीरियड था बच्चों, उस समय जीवन की शुरुआत हुई। और उसके बाद जिन कशेरुक प्राणियों की जो हम बात कर रहे हैं वो पेलियोजोइक एरा से हमें दिखाई देते हैं। उसमें 570 मिलियन ईयर्स पहले अगर आप जाएंगे तो कैम्ब्रियन, ऑर्डोविसियन, सिल्यूरियन और डेवोनियन, इसमें सिल्यूरियन का जो पीरियड था ये पूरा का पूरा समय था जब मछलियां बहुतायत से पाई जाती थी और पूरी दुनिया में एक तरह से मछलियों का ही साम्राज्य था। और बच्चों यही वजह है कि पेलियोजोइक एरा को हम एज ऑफ फिशेज भी कहते हैं। और इसके जो कालांतर में, मतलब इसके उत्तरार्ध में जब आप जाएंगे, डेवोनियन पीरियड जब आता है हमारा और डिवेनियन के बाद में एक कार्बोनिफेरस पीरियड आता है जिसे मिसिसिपियन, पेंसिल्वेनियन और परमियन में डिवाइड किया गया है। बच्चों ये वो पीरियड था जब एम्फीबियंस का उद्भव हुआ। तो अगर हम ये कहें कि मछलियों से ही मेंढक उत्पन्न हो गए या फिशेज से उभयचरी एम्फीबियंस उत्पन्न हो गए, तो इसको लेकर के बहुत सारी थ्योरीज हैं। आप एक बात अच्छे से समझ लीजिए कि जो मछलियां थी उनमें जो क्रॉस ऑफ टेराइजियंस थे और जो क्रॉस ऑफ टेराइजियंस जो थे जिनमें की लोबेट फिन्स पाए जाते हैं, जिसका एक एग्जांपल लेटिमेरिया भी है सीलाकेंथ में, बच्चों ऐसा माना जाता है कि संभवतः इन मछलियों के समकालीन उभयचरी प्राणियों के पूर्वज थे। और एक तरह से सिल्यूरियन के अंत में डेवोनियन पीरियड में उभयचरी प्राणियों का उद्भव हो गया। और उभयचरी प्राणी क्यों आए इस दुनिया में? अब आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि सर मछलियां तो पानी में पाई जाती हैं और उभयचरी प्राणी जो है पानी में भी और जमीन पर, तो ऐसा वो क्यों करते हैं? चाहे तो वो पानी में ही रहे या वो जमीन पर रहे। तो बच्चों यहां पर ये बात समझनी होगी आपको कि डेवोनियन पीरियड के बाद जो हमारी पृथ्वी है उसके ऊपर भयानक सूखा पड़ा था, ड्राउट्स आए हुए थे, और उस ड्राउट पीरियड में जो हमारे जलाशय थे वो धीरे धीरे सूखने लगे। और ऐसी स्थिति में जो क्रॉस ऑफ टेरिजियन मछलियां थी उन्होंने अपने आप को एडप्ट करना शुरू किया। एक आप वर्ग और पढ़ते हैं डिप्लोई के बारे में, जिनमें की विशेष प्रकार के लंग्स पाए जाते हैं, दे आर एयर ब्रीदर, तो ऐसी मछलियां भी उत्पन्न हो गई। और इसी समय कुछ मछलियों ने और इनके समकालीन उभयचरी प्राणी के पूर्वजों ने पानी के एक बॉडी को छोड़ करके दूसरे जलाशय की सर्च करने के लिए वो जलाशय से बाहर आ गए जो सूख गए थे, दलदल की तरह थे, अधिकांश मछलियां मर चुकी थी। तो ऐसे समय में एक नए जलाशय की सर्च में जो मछलियां थी उनमें कुछ ऐसे परिवर्तन हुए कि उभयचरी प्राणियों की उत्पत्ति हो गई। तो एक प्रकार से यह एक कैसी घटना है, एक पर्यावरणीय घटना है। और इस प्रकार की घटना के दौरान कुछ ऐसे भी हमारे सामने कशेरुक प्राणी आ गए जो पानी में भी रहते हैं और जमीन पर भी रहते हैं। तो ये था पैलियोजोइक पीरियड। अब इसके बाद इसी स्केल में आगे आप पाएंगे एक मीजोजोइक एरा आएगा बच्चों, जिसे 3 भागों में बांटा गया है, ट्रायसिक, जुरैसिक और क्रिटेशियस। ये 245 से 66 मिलियन ईयर्स पहले का है। ये वो पीरियड है जिसमें कि रेप्टाइल्स इस दुनिया में थे, इसको हम एज ऑफ रेप्टाइल्स कहते हैं। और इसके बाद 66 से लेकर के आज तक का जो समय है वो सीनोजोइक है और इसे टर्शरी और क्वार्टरनरी में बांटा है। यह वो पार्ट है जिसमें पक्षी भी उद्भव हुए, उसके साथ ही साथ मैमल्स का विकास हुआ। बच्चों ध्यान दीजिए कि जो सबसे अंतिम पीरियड है प्लिस्टोसीन का और होलोसीन का, ये वो समय है जिसमें कि मानव इस दुनिया में आया है। हम लोग जो हैं और हमारे पूर्वज जो हैं लगभग 1 लाख साल पहले, सही मायने में जो मानव है बाइपेडल वाला, वो 1 लाख साल पहले हमारे पूर्वज इस दुनिया में थे। और उसके बाद निरंतर बढ़ते क्रम में होमो इरेक्टस और उसके बाद आज हम होमो सेपियंस के रूप में, हम और आप इस दुनिया में एक सामाजिक प्राणी के रूप में विद्यमान हैं और चीजों को समझने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए आइए, ये कनेक्टिंग लिंक्स मैं आपको पढ़ा चुका हूं इकाइनोडर्मिस हिस्ट्री की। तो इस स्लाइड में
हमने जो बात की थी यूरिकार्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा और ड्यूटेरोस्टोम लाइन ऑफ कॉर्डेट इवोल्यूशन की, ये हम पिछले लेक्चर में आपको बता चुके हैं कि यूरिकॉर्डेटा में एसिडियन, सिफेलोकॉर्डेटा में एम्फियोक्सेस, और उसके बाद ड्यूटेरोस्टोम लाइन जो है उसमें आर्म फीडिंग क्रीचर्स डेवलप हुए अकॉर्डिंग टू बैरिंगटन, जिनको हम सेफेलोडिस्कस कहते हैं, और यहां से ही कॉर्डेट एंसेस्ट्री आगे प्रारंभ हो जाती है। कॉर्डेट के कैरेक्टर्स भी आपको हमने बता दिए हैं, लेकिन ये स्लाइड बहुत महत्वपूर्ण है, सारे विद्यार्थी इसको नोट भी कर लें और समझ भी लें। बच्चों, तीन बातें आपको हमेशा याद रखनी है कि किसी भी प्राणी में अगर जीवन की किसी भी अवस्था में डॉर्सल सॉलिड नोटोकॉर्ड या वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट है तो उसे हम कॉर्डेट कहते हैं। दूसरा कैरेक्टर है कि प्रेजेंस ऑफ डॉर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड और डॉर्सल सेंट्रल नर्वस सिस्टम अगर किसी प्राणी के पास है जीवन की किसी भी अवस्था में तो उसे हम कशेरुक कहेंगे। और यही बात है गिल्स के साथ कि अगर फेरिंजियल गिल्स या फेफड़े हैं तो उनको भी हम कशेरुक प्राणी मानते हैं। देखिए नीचे चित्र में देखेंगे आप कि ये चित्र जो है जिसमें आप देखिए कि एलिमेंट्री कैनाल दिख रही है हमको, एक तरफ माउथ है दूसरी तरफ एनस है। बच्चों, जब हम बात करते हैं डॉर्सल और वेंट्रल की तो ध्यान रखिए कि जो आहार नाल है हमारी वो मीडियन एक्सिस है और आहार नाल के ऊपर जो रचनाएं पाई जाती हैं उनको हम डॉर्सल कहते हैं। अभी हम क्लास में आपसे पूछे कि बताओ बच्चों आपकी रीढ़ की हड्डी कहाँ है, वर्टिब्रल कॉलम, तो बहुत से लोग कहेंगे सर पीठ में है या पीछे की तरफ इशारा करेंगे। तो आपको आंसर इस तरह से देना है कि सर वर्टिब्रल कॉलम इज लोकेटेड अबव द एलिमेंट्री कैनाल, दिस इज द राइट आंसर। तो आप बताइए कि देखिए इसमें नोटोकॉर्ड, नर्व कॉर्ड ये दोनों दिख रही हैं। नोटोकॉर्ड बच्चों मीजोडर्म से बनती है और नर्व कॉर्ड एक्टोडर्म से बनती है। वहीं जो फेरिंजियल गिल्स हैं, जैसा कि नाम से पता चल रहा है फेरिंग्स में हैं ये, इनका निर्माण इंडोडर्म से होता है। तो तीनों प्रकार के जो विशिष्ट रचनाएं हैं ये कशेरुक प्राणियों का मूलभूत लक्षण है और इनको हम कॉर्डेट कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं। तो जब कभी आपसे पूछा जाए कि ऐसा कोई सा लक्षण बताइए जो सभी कशेरुक प्राणियों में पाया जाता है तो उत्तर आना चाहिए नोटोकॉर्ड। तो नोटोकॉर्ड एक ऐसी रचना है जो बाद में वर्टिब्रल कॉलम में बदल जाती है। अगर ये नोटोकॉर्ड के रूप में ही रहेगी बच्चों तो इसे हम प्रोटोकॉर्डेट्स कह देते हैं, जिसमें आपने हर्डमेनिया और एम्फियोक्सिस के बारे में पढ़ा है। अदर कॉर्डेट कैरेक्टर्स में बॉडी जो है इनकी एक लॉन्ग एक्सिस में फैली रहती है, बायलैटरल सिमेट्री पाई जाती है और शरीर के जितने भी संवेदी अंग हैं बच्चों वो आगे सिर वाले हिस्से में जाकर के इकट्ठे हो जाते हैं। तो एक प्रकार से इस वाले भाग को हम हेड कहते हैं और दिस इज कॉल्ड सिफिलाइजेशन। एक लिविंग एंडोस्केलेटन होता है और दो जोड़ी अपांग होते हैं, दो फोरलिम्स और दो हाइंड लिम्स, और इसी प्रकार से पोस्ट एनल टेल भी पाई जाती है। हार्ट इनका वेंट्रल होता है और सीलोम की उपस्थिति जो सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर मीजोडर्म की स्प्लिटिंग से सीलोम बनती है बच्चों तो उसे साइजोसीलोम कहते हैं और अगर इंडोडर्म से बन रही है तो उसे हम एंट्रोसीलिक सीलोम कहते हैं। अब इस क्रम में एक आउटलाइन क्लासिफिकेशन, सारे बच्चे देखें इसको, कि वर्टिब्रेट्स को हम दो ग्रुप में बांटते हैं, एग्नेथा और नेथोस्टोमेटा। यहां पर नेथोस्टोमेटा के पहले जी लिखा हुआ है तो जी बेटा साइलेंट होता है, जैसे टेरिडोफाइटा में हम पी लिखते हैं लेकिन बोलते पटेरिडो तो नहीं बोलते हैं, उसको टेरिडो बोलते हैं। तो आप लोग भी सब प्रोनाउंस करेंगे नेथोस्टोमेटा। तो एग्नेथा मतलब जबड़े विहीन प्राणी, जॉलेस एनिमल, और नेथोस्टोम्स का मतलब होता है जबड़े वाले प्राणी। एग्नेथा में ऑस्टेकोडर्म्स आते थे जो विलुप्त हो चुके हैं, वर्तमान में एक ही क्लास है लिविंग, वो है साइक्लोस्टोम्स, जिसमें पेट्रोमाइजोन और मिग्जीन को रखा गया है। और नेथोस्टोम्स में मछलियां हैं और चार पैरों वाले मतलब फोर फुटेड एनिमल्स टेट्रापोड हैं। फिशेस तक हम लोग पढ़ चुके हैं, टेट्रापोड में एम्फीबिया, रेप्टीलिया, बर्ड्स और मैमल्स, ये चार वर्ग हैं जिनके बारे में भी अपन लोग चर्चा करेंगे लगातार। अगली स्लाइड में देखिए क्लासिफिकेशन का एक तरीका और भी है जो अक्सर जो है कंपेरेटिव एनाटॉमी में पूछा जाता है, कि अगर जैसे अब अगली यूनिट में आपको पढ़ना भी है इंटेगुमेंट के बारे में, अगर आपसे कहा जाए कि भाई एमनियोट्स क्या होते हैं और एनेमनियोट्स क्या होते हैं, तो बच्चों ध्यान रखो कि जिन प्राणियों के भ्रूणीय परिवर्धन के दौरान ये चार प्रकार की भ्रूणीय झिल्लियां पाई जाती है जिनको हम फीटल मेम्ब्रेन्स कहते हैं, जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक टिश्यू से बनती है। बच्चे उनके नाम है एमनियन, कोरियन, योक्सेक, एलेंटॉइस। एमनियन, कोरियन, योक्सेक, एलेंटॉइस जो क्रमशः आप पाएंगे कि सुरक्षा, श्वसन, पोषण और उत्सर्जन के लिए उत्पन्न होती है और एक अंडे के भीतर ही ये सारी की सारी रचनाएं आप पक्षियों में पढ़ेंगे। तो जिन प्राणियों के भ्रूणीय झिल्लियां अगर पाई जाती हैं उनको आप एमनियोट्स कहिए और जिनमें नहीं पाई जाती उनको एनेमनियोट्स। तो यहां एम्फीबिया तक के जितने भी कशेरुक प्राणी हैं वो एनेमनियोट्स के अंतर्गत वर्गीकृत किए जाते हैं और एमनियोट्स में हम तीन वर्गों को रखते हैं, रेप्टाइल, बर्ड्स और मैमल्स। ठीक है,
चलिए अब अगली स्लाइड में हम लोग एम्फीबिया की बात करें। तो एम्फीबिया जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि डेवोनियन पीरियड में ये उत्पन्न हुए। डेवोनियन पीरियड कौन सा था बच्चों? वो था पैलियोजोइक इरा का माने लास्ट का सबसे अंतिम वाला हिस्सा, जिसे हम डेवोनियन कहते हैं। मछलियां जहां पर कम हो रही थी और उभयचरी प्राणी बढ़ रहे थे। इनकी देखिए 25,000 जातियां ज्ञात हैं। एम्फीबिया के प्रमुख लक्षणों में सबसे पहला लक्षण सब बच्चे समझ गए हैं कि ये पानी में भी रहते हैं और जमीन पर रहते हैं। जमीन पर ये रहते हैं, भोजन की तलाश में आते हैं और प्रजनन करने के लिए वापस पानी में जाते हैं। ओके, दूसरा कैरेक्टर है बहुत इंपॉर्टेंट है कि इनकी त्वचा में म्यूकस ग्रंथियों की दिखता होती है। त्वचा नम और लसलसी होती है और वह एक बहुत अच्छा अनुकूलन है। और अनुकूलन किस प्रकार का है ये? कि ये एक प्रकार का स्थलीय अनुकूलन है कि ये जमीन पर रहते हुए भी वायु के संपर्क में आकर के त्वचा के माध्यम से भी श्वसन करते हैं। बच्चों इस प्रकार के श्वसन को कॉपी में नोट करिए, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन कहते हैं। इसे हम त्वचीय श्वसन या क्यूटेनियस रेस्पिरेशन कहते हैं। मेंढक आपने मेरे ख्याल से अब तो आजकल के बच्चों को तो बहुत कम देखने मिल रहा होगा। हम लोग अपने जमाने में मेंढक का डिसेक्शन करते थे तो मेंढक को अगर आप पकड़ेंगे तो हाथ से वो छूट जाता था, क्योंकि बहुत ज्यादा कैसा होता था, स्लिपरी होता था, म्यूकस निकलने के कारण चिपचिपा होता था इसका शरीर। अगला करेक्टर है कि इनमें लार्वा पाए जाते हैं। तो जिन प्राणियों के जीवन काल में अगर लार्वा है तो उस प्रकार के डेवलपमेंट को इनडायरेक्ट डेवलपमेंट कहा जाता है। और लार्वा बाद में वयस्क में रूपांतरित होता है, जिसे हम कायांतरण या मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। तो इनके लार्वा में गिल्स के द्वारा श्वसन होता है और वयस्क में त्वचा और फेफड़ों के द्वारा श्वसन करते हैं। और ये होते हैं कोल्ड ब्लडेड। रिमेंबर दिस टर्म, जिसे हम पॉइक्लोथर्म कहते हैं। इसका आशय यह हुआ कि ऐसे प्राणी जिनके शरीर का तापमान वातावरण के अनुसार घटता और बढ़ता रहता है, मतलब दे कैन एडजस्ट अकॉर्डिंग टू सराउंडिंग टेम्परेचर, अपने शरीर के तापमान को ये एडजस्ट कर सकते हैं, तो ऐसे प्राणियों को पॉइक्लोथर्मिक या कोल्ड ब्लडेड कहते हैं। और सबसे खास बात, कोल्ड ब्लडेड होने के साथ साथ ये निष्क्रियता प्रकट करते हैं, जिसको हम एस्टिवेशन या हाइबरनेशन कहते हैं। बहुत अधिक ठंड पड़ने पर, बहुत अधिक गर्मी पड़ने पर ये जमीन के नीचे गीली मिट्टी में अपने आप को ले जाते हैं और वहां त्वचा से श्वसन करते हैं। और जो इनका स्टोर्ड मटेरियल होता है इनके पास में, ग्लाइकोजन वगैरह फैट बॉडीज, उससे फिर ये अपना काम चलाते हैं और इनका मेटाबॉलिज्म भी स्लो हो जाता है। बच्चों इसे हाइबरनेशन कहते हैं। इसके बाद इनडायरेक्ट डेवलपमेंट की मैंने अभी आपको बात बताई। लार्वा प्रेजेंट होता है और प्रजनन ये पानी में करते हैं, निषेचन की क्रिया पानी में होती है, इसलिए इसको हम कहते हैं बाह्य निषेचन या एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। पार्कर और हॉसवेल ने इस वर्ग को दो सब क्लासों में, 3 सुपर ऑर्डर में और 13 ऑर्डर में विभाजित किया है। इनको आप बड़े से A3 साइज के कागज की शीट के ऊपर इसका एक आप आउटलाइन चार्ट बना लीजिए और अपने पढ़ने वाली जगह पर उसको लगा दीजिए कैलेंडर की तरह, और सोते जागते उसको देखिए बार बार, तभी आपको ये सारे नाम याद हो जाएंगे। ये बहुत अच्छा तरीका है। दूसरा, कक्षा में जब आप लोग प्रैक्टिकल में स्पेसिमेंस को देखें तो वहां पर अपने ग्रुप बना लीजिए। जैसे दो सब क्लास है तो दो ग्रुप में डिवाइड हो जाइए और दोनों के बीच में एक समूह चर्चा करिए। इस तरह से भी आप लोग इसको ग्रुप डिस्कशन के माध्यम से भी सारी चीजों को याद कर सकते हैं। देखिए दो सब क्लास है, एक पहली है स्पिडोस्पोंडाइली और दूसरी है लिपोस्पोंडाइली। स्पिडोस्पोंडाइली जो है ये बहुत ही प्रिमिटिव या सरल प्रकार के एम्फीबियंस हैं। इनको हम स्टीगोसिफेलियंस भी कहते हैं। ये ज्यादातर इनके फॉसिल्स ही पाए जाते हैं, कुछ है अभी। और अर्लीस्ट फॉर्म्स जो थे इनके वो मछलियों के समान दिखाई देते थे, जिसमें से 3 ऑर्डर्स जो है लेबिरिंथोडोंसिया, फाइलोस्पोंडाइली और लिपोस्पोंडाइली, ये बच्चों विलुप्त हो चुके हैं। ठीक है, चौथा और पांचवा जो ऑर्डर है ये वर्तमान में पाए जाते हैं, जिसमें चौथा ऑर्डर है एपोडा, जिसको जिम्नोफियाना भी कहते हैं। इनमें लिम्स नहीं पाए जाते हैं, मछली जैसा इनका लंबा शरीर होता है, एग्जाम्पल है इक्थियोफिस। उसके बाद पांचवा ऑर्डर है एन्यूरा, जिसे साइलेंशिया भी कहा जाता है। ये पूंछ विहीन मतलब टेल लेस एम्फीबियंस है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा यहां पर, क्योंकि ये सवाल ऑब्जेक्टिव टाइप में आ सकता है कि पूंछ वाले एम्फीबिया का नाम बताइए और या बिना पूंछ वाले एम्फीबिया का नाम बताइए। तो एन्यूरस जो होते हैं दे आर टेल लेस। इसमें बच्चों ये राना जो नाम लिखा हुआ ना, राना टिग्रिना, ये भारतीय मेंढक है। इसके शरीर के ऊपर एक सफेद धारी होती है। दूसरा, इसके पड़ोस में एक नाम और देखिए, ब्यूफो, इसे टोड कहते हैं। टोड जो होता है वो जहरीला होता है। इसकी त्वचा पे थोड़ी म्यूकस ग्रंथियां पॉइजन ग्रंथियों में बदल जाती हैं, जिन्हें हम पैरोटिट्स कहते हैं। और तीसरा है हाइला, जो हमारे यहाँ नहीं मिलता है, जर्मनी में, यूरोप में और यूएसए में मिलता है। इसको हम ट्री फ्रॉग भी कहते हैं और ये वृक्षों के ऊपर रहता है, फ्लाइंग फ्रॉग भी कहते हैं। हमारे यहाँ जो प्रजाति मिलती है बच्चों, उसको रेकोफोरस कहा जाता है। ये रेकोफोरस हमारे यहाँ कॉमन है इंडिया में और श्रीलंका में।
अब दूसरी सब क्लास है लिपोस्पोंडाइली, जिन्हें हम कॉर्डेटा कहते हैं, और ये कार्बोनिफेरस समय से ये पाए जाते थे। स्नेक जैसा इनका शरीर, और इनमें सबसे खास बात की पूंछ पाई जाती है। और बच्चों एक ऑर्डर है जिसको याद रखिए, यूरोडेला। यूरोडेला का एक एग्जाम्पल है सेलामेंडर, इसको अच्छे से याद रखें। एम्बाइस्टोमा एक प्राणी है, इस एम्बाइस्टोमा का जो लार्वा होता है उसे हम एक्सोलोटल लार्वा कहते हैं। और इस एक्सोलोटल लार्वा की विशेषता यह होती है कि लार्वा अवस्था समय से ज्यादा समय तक चलती है, और ज्यादा समय तक चलने के कारण क्या होता है, आपको मैं सुनाई दे रही होगी आवाज मेरे ख्याल से, मुझे ऐसा लग रहा है संपर्क है आपके साथ। तो बच्चों ध्यान से सुने कि जो लार्वा है जिसे हम एक्सोलोटल लार्वा कहते हैं, उसमें लार्वा अवस्था में ही लैंगिक अंग विकसित हो जाते हैं, और एक प्रकार से इस घटना को हम नियोटेनी कहते हैं या पीडोजेनेसिस कहते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अभी आगे मैं आपको चित्र दिखाऊंगा इसके। कुछ और भी एग्जाम्पल हैं जैसे कि नेक्चुरस, प्रोटियस, साइरन, ये सारे के सारे कैसे हैं, यूरोडेल्स हैं, पूंछ वाले एम्फीबियंस हैं। यहां पर देखिए इस चित्र में आपको हमने दिखाया एम्बाइस्टोमा, इट इज अ टाइगर सेलामेंडर, ये साउथ अमेरिका में पाया जाता है, और इसके ऊपर देखिए पीले और काले रंग की पट्टियां दिखाई दे रही हैं। इसका नीचे लार्वा दिखाई दे रहा है बच्चों, ध्यान से देखिए, तीन जोड़े बाह्यगिल हैं इसमें और लंबी सी पूंछ है। और इस लार्वा में खास बात क्या है कि इसमें लैंगिक अंग डेवलप हो जाते हैं। अब आप सोचेंगे कि सर ये लैंगिक अंग डेवलप क्यों हो जाते हैं, तो इस सवाल का जवाब भी मैं आपको यही देता हूं, क्योंकि ये जिस प्रकार के वातावरण में रहते हैं, वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि वहां पर आयोडीन की कमी थी, और आयोडीन डेफिशिएंसी होने के कारण थायरोक्सिन हार्मोन कम होता है और ग्रोथ रिटार्ड हो जाती है, आगे ग्रोथ नहीं हो पाती है, और ऐसी समय में लार्वा ही जो है वो वयस्क के रूप में काम करने लगता है। तो इस प्रोलॉन्ग लार्वल स्टेज को पीडोगेमी कहा जाता है, पीडोजेनेसिस कहा जाता है, और ये जो है एक जीव के समान लैंगिक लक्षणों से युक्त आगे प्रजनन की क्रिया शुरू कर देते हैं। तो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ एक्सोलोटल लार्वा। ओके, तो ये भी आप अपनी कॉपी में नोट कर लें। ये कुछ अन्य एम्फीबियंस के चित्र भी आपके सामने हैं। इसके बाद कुछ बातें ऐसी हैं जो आपको याद रखना है। सबसे पहली बात ये कि ये इवॉल्व फ्रॉम सम एयर ब्रीदिंग लंग फिश एंसेस्टर्स, ये साल्टी वाटर में नहीं पाए जाते हैं। पिछले वाले व्याख्यान में एक बच्चे ने सवाल पूछा था कि मछलियों में लेटरल लाइन ऑर्गन्स पाए जाते हैं और किस प्राणी में पाए जाते हैं, तो बच्चों जो यूरोडेल्स है ना, जो पानी में रहने वाले जो हमारे एम्फीबियंस हैं जिनमें पूंछ है, उनमें लेटरल लाइन सिस्टम पाया जाता है। केवल लिम्बलेस जो एम्फीबिया होते हैं उनमें ही डर्मल स्केल्स देखे गए हैं। एक्सोलोटल इज द नियोटेनस लार्वा ऑफ एम्बाइस्टोमा। और ज्यादातर एम्फीबिया में एक बहुत ही रोचक बात जिसे आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा, पेरेंटल केयर पाई जाती है, मतलब पैतृक रक्षण। तो इन प्राणियों में आप सोचिए कि इनका मस्तिष्क कितना विकसित हो चुका था कि वो बच्चों की सुरक्षा के बारे में चिंतित होने लगे, और अंडों को, लार्वा को के प्रोटेक्शन वाली बात जो है वो पहली बार कशेरुक प्राणियों में हम एम्फीबिया में देख पाते हैं। सेलामेंड्रा की एक स्पीशीज है मैकुलोसा, जो बच्चों को जन्म देते हैं, मतलब वीवी पैरस होते हैं। तो ये दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अपनी कॉपी में लिख चुके होंगे। अगली क्लास है हमारी रेप्टीलिया। लैटिन वर्ड रेप्टम से रेप्टीलिया शब्द का उद्भव हुआ है, मतलब टू क्रीप। मीजोजोइक इरा, जिसको एज ऑफ रेप्टाइल्स कहते हैं। लगभग 6000 जातियां ज्ञात हैं। पहले वास्तविक स्थलीय प्राणी और पॉइक्लोथर्मिक होते हैं एम्फीबियंस के समान, मतलब इनके शरीर का तापमान भी बदल सकता है। इनकी स्किन रफ, ड्राई और स्केली होती है। ये पहला टेरेस्ट्रियल एडेप्टेशन आप देख रहे हैं, और ये श्वसन केवल फेफड़ों के द्वारा ही करते हैं, मतलब ये बात नोट कर लीजिए, इनमें गिल्स वगैरह नहीं पाए जाते हैं। दे ब्रीथ ओनली बाय मीन्स ऑफ लंग्स, केवल पल्मोनरी रेस्पिरेशन ही इनमें पाया जाता है। ओवी पैरस होते हैं। ये जो बात है बच्चों, इस शब्द को बहुत ध्यान से देखो, क्लेडोइक एग। अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि क्या वजह थी कि रेप्टाइल्स ही सही मायने में स्थलीय कशेरुक प्राणियों के रूप में अपने आप सफलतापूर्वक जीवन यापन कर रहे हैं, आज भी उपस्थित हैं, तो उसकी वजह थी बच्चों ये क्लेडोइक एग। क्लेडोइक एग का मतलब एक ऐसा अंडा जिसमें सारी भ्रूणीय झिल्लियां हैं और एक पूरी तौर से वो सेल्फ सफिशियंट है, मतलब भ्रूण के परिवर्धन के लिए जो भी अनुकूल परिस्थितियां प्रोवाइड की जाना है वो सब उस अंडे के द्वारा दी जा रही है। उस अंडा जो है अपने आप में एक सेल्फ सफिशियंट है, और यही एक गुण है, ऐसे अंडे को हम क्लेडोइक एग कहते हैं। और ऐसे अंडे होने के कारण ही रेप्टाइल जो है वो टेरेस्ट्रियल प्राणी के रूप में अपना जीवन यापन कर रहे हैं और सफल है। इनमें लैंगिक द्विरूपता पाई जाती है, और साथ ही साथ आप देखेंगे कि डायरेक्ट डेवलपमेंट मतलब लार्वा अवस्था इनमें अनुपस्थित है, लार्वा नहीं पाए जाते हैं। यहां पर एक शब्द और आ गया, पॉइजनस और वेनुमस। आप देखें सारे के सारे रेप्टाइल्स पॉइजनस होते हैं,
लेकिन कुछ ही ऐसे होते हैं जो वेनुमस होते हैं। ये दो शब्दों को समझिए, अक्सर हमने देखा होगा कि हमारे घर की जो घरेलू छिपकली है जिसको हम हेमिडेक्टाइलिस कहते हैं, अगर वो छिपकली किसी चीज में गिर जाए और उसका सेवन कोई कर ले तो बीमार पड़ जाएगा, उसको पॉइजन का इफेक्ट दिखाई देने लगेगा, लेकिन अगर छिपकली काट ले तो कुछ भी नहीं होगा। तो इसकी वजह आप बताएंगे कि सर उसकी त्वचा में विष ग्रंथियां होती हैं और उस वजह से जिस चीज में अगर वो संपर्क में आ जाएगी तो उसको विषैला कर देती है। तो बात को समझिए कि ऐसे रेप्टाइल्स जिनमें विषदंत पाए जाते हैं, मैक्सिलरी बोन के ऊपर फेंग्स बिल्कुल सुई की तरह, हाइपोडर्मिक सीरिंज की तरह, ऐसे दांतों को हम विषदंत या फेंग्स कहते हैं, और उनके अंदर जो ग्लैंड्स हैं सलाइवरी ग्लैंड्स वो पॉइजन ग्लैंड्स में बदल जाती हैं, मतलब जिनके काटने से किसी प्राणी के अंदर विष आ जाए, जिनके पास वेनम हो उसको वेनुमस कहते हैं। लेकिन उन प्राणियों में अगर जिनमें विषदंत नहीं है उनको हम वो पॉइजनस हो सकते हैं लेकिन वेनुमस नहीं होते हैं। तो बच्चों ध्यान रखो कि केवल एकमात्र ऐसी छिपकली है जिसको हेलोडर्मा कहते हैं, मेक्सिको में पाई जाती है, जिसमें विषदंत पाए जाते हैं और जिसके काटने से मृत्यु हो सकती है, दिस इज द ओनली लिजर्ड हेलोडर्मा। बाकी कोई भी लिजर्ड जो है वो वेनुमस नहीं है, पॉइजनस सभी हो सकते हैं। तो मेरे ख्याल से अभी बात समझ गए होंगे पॉइजनस और वेनुमस का मतलब क्या हुआ। इसी तरह से इनका आर्थिक महत्व भी बहुत ज्यादा है, इनसे तरह तरह की मेडिसिन बन रही है बच्चों, और इसके अलावा इनकी जो स्किन है उसका उपयोग चमड़ा बनाने में किया जाता है। जैसे हम बात करें क्रोकोडाइल्स की, बात करें टर्टल्स की, बात करें स्नेक्स की बात करें, तो आजकल क्या हो गया है कि इस ट्रेड को रोकने के लिए इनका संरक्षण बहुत जरूरी हो गया है और इसकी संरक्षण की दिशा में सभी लोग प्रयासरत हैं। आप लोग भी अपने लेवल पे करें, ऐसा नहीं कि स्नेक को देखा और आप सोचे इसको मारना ही है। बच्चों बहुत कम ऐसे स्नेक्स हैं जो वेनुमस है, वो सब कैसे हैं, नॉन वेनुमस है, आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, वो हमारे पारिस्थितिक तंत्र के एक बहुत इंपॉर्टेंट जैविक घटक है, तो हमको उनको बचाना भी चाहिए। अब यहां देखिए जो चार बातें हैं, क्रोकोडाइल, लिजर्ड टर्टल और लिजर्ड स्नेक, और यहां तीन क्लासेस हैं, एनाप्सिडा, इक्थियोप्टेरिजिया, साइनेप्टोसोरिया। एनाप्सिडा में कंप्लीट सॉलिड स्कल है और इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्डर है हमारा चिलोनिया। बच्चों तीन प्रकार के कछुए हैं, टर्टल, टेरापाइंस और टॉर्टाइज। टर्टल समुद्र में पाए जाते हैं, टेरापाइंस जो है फ्रेश वाटर है और टॉर्टाइज जो है जमीन पर पाए जाते हैं। इक्थियोप्टेरिजिया में इक्थियोसोरस आता है, साइनेप्टोसोरिया में जिसमें केवल एक टेम्पोरल वैक्यूटी होती है, एक्सटिंक्ट हो चुके हैं दोनों ऑर्डर के जो है ना मेंबर्स, ये एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, प्लेकोडस वगैरह। अगली जो दो हमारी सब क्लास है जिसमें एक लेपिडोसोरिया है और आर्कोसोरिया है, इसमें लेपिडोसोरिया में एक नाम याद रखिए रिंकोसिफेलिया, और इसमें एक स्फिनोडोन आता है, ये न्यूजीलैंड में पाया जाता है। बहुत लंबे समय तक हम लोग ये सोचते थे कि ये विलुप्त हो चुका है, लेकिन जब इस स्पेसिमेन को देखा ना स्फिनोडोन को जीवित अवस्था में, तो ऐसे प्राणी को हम क्या कहेंगे बच्चों, जीवित जीवाश्म। अगर आप कल्पना करें कि डायनासोर जैसे विलुप्त हो गए और अचानक आपको मिल जाए कहीं डायनासोर जिंदा हालत में, तो आप क्या कहोगे उसको, जीवित जीवाश्म, लिविंग फॉसिल। तो स्पिनोडोन उसका एक एग्जांपल है। एक इंपॉर्टेंट ऑर्डर है स्क्विमोटा जिसमें केवल एक टेम्पोरल फेनिस्ट्रा पाया जाता है। इसके दो सब ऑर्डर है, लेसर टीलिया और ओफिडिया। बहुत ईजी हो गया है, समझिए लेसर टीलिया में सारी लिजर्ड्स आती हैं और ओफिडिया में सारे के सारे स्नेक्स आते हैं। अंतर सिर्फ इतना है कि ओफिडियंस की जो पलकें होती है ना आईलिट्स, वो इमूवेबल होती है, अचल होती है, और जो लेसर टीलिया के जो मेंबर्स हैं लिजर्ड्स, उनकी पलकें कैसी होती है, मूवेबल होती है। तो एक मैंने कैरेक्टर आपको दिया है और कैरेक्टर भी आप अपनी किताबों से याद करेंगे। दूसरी तरफ आर्कोसोरियंस हैं जिनमें की थीकोडोन डेंटिशन, मतलब मसूड़े में धसे हुए दांत, ये एक बहुत बड़ी विशेषता है, और इसमें आप बच्चों क्रोकोडाइल्स, एलिगेटर, घेवियलिस। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो क्रोकोडाइल, एलिगेटर, घेवियलिस हैं, इसमें क्रोकोडाइल जो है इसकी आप देखिए 8 मीटर तक लंबा पॉइंटेड स्नाउट है, एलिगेटर जो है 3 मीटर तक होते हैं और इनका जो थूथन या स्नाउट छोटा होता है, और घड़ियाल का 6 मीटर तक लंबा और स्नाउट के आगे नॉस्ट्रिल्स भी होते हैं। ओके, तो हमारे देश में क्रोकोडाइल्स और घेवेलिस ये दोनों पाए जाते हैं, और घेवेलिस जो है गंगा नदी में बहुत कॉमन है। आप जाएंगे अगर इलाहाबाद वगैरह तो वहां देखिए गंगा में आपको ये देखने को मिल जाएंगे। ये कुछ रेप्टाइल्स के मैंने चित्र भी दिखाए हैं। एक करेक्टर और याद रखिए कि सारे के सारे रेप्टाइल्स में रंग बदलने की अद्भुत क्षमता पाई जाती है, जिसे हम कंसीलमेंट या मिमिक्री कहते हैं, और गिरगिट एक एग्जांपल है कैमिलियन, और उससे तो एक मुहावरा भी बन गया है कि गिरगिट की तरह रंग ना बदलो, क्योंकि रंग बदलने की अद्भुत क्षमता है गिरगिट के पास। तो ये चीज याद रखिए, और पीछे की पूंछ देखिए घड़ी की तरह मुड़ी हुई है, इसे प्रीहेंसाइल टेल कहते हैं, तो ये भी चीज याद रखें। कुछ बातें जो याद रखने की थी वो यहां पर एक बार फिर से दिखा रहा हूं। फर्स्ट टू लैंड वर्टिब्रेट,
देन उसके बाद में एक कोल्ड ब्लडेड वाली बात, ओवी पैरा स्क्लेरॉइक एग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए, और रेप्टाइल बर्ड्स और मैमल्स के समूह को हम एमनियोटा कहते हैं, इसको भी आपको याद रखना है। अब हमारी जो अगली क्लास है वो है बर्ड्स। तो जैसा मैंने आपको बताया कि बर्ड्स जो है दे आर द ग्लोरिफाइड रेप्टाइल्स, और आर्कियोप्टेरिक्स एक ऐसा पक्षी है बच्चों जिसमें रेप्टाइल के करेक्टर भी दिखाई देते हैं और पक्षियों के भी, और इसलिए इसको हम संयोजक कड़ी के रूप में पढ़ते हैं। लगभग 9000 जातियां हैं और बाइपीडिलिज्म और बॉडी जो है इनका पूरा फीडर से ढका हुआ है। यहां से हम उन कशेरुक प्राणियों की बात कर रहे हैं जो वार्म ब्लडेड हैं, होमियोथर्मिक हैं, जिनके शरीर का तापमान सदैव स्थिर रहता है। इनके जो फोर लिम्स हैं वो पंखों में रूपांतरित हो चुके हैं, पल्मोनरी रेस्पिरेशन है, शरीर में एयर सैक भी है और साथ ही साथ साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन सिरिंग्स भी है, और इसके अलावा ढेर सारे वायवीय अनुकूलन है जिनको हम उड्डयन अनुकूलन कहते हैं, और ओवी पैरस होते हैं और इनमें भी फीटल मेम्ब्रेन्स पाई जाती हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट करेक्टर सारे बच्चे जानते हैं, डॉक्टर सलीम अली ने बहुत काम किया है, भारत के पक्षीविद हैं, कि पक्षियों के प्रवजन के ऊपर, माइग्रेशन के ऊपर। आपने देखा होगा कि ठंड के दिनों में जब हमारे ध्रुवीय क्षेत्रों में बहुत अधिक बर्फ पड़ने लगती है, भोजन बंद हो जाता है, तो पक्षी हजारों किलोमीटर की लंबी यात्रा तय करके वो सब प्लेन्स में आ जाते हैं। और यहाँ की जो बहुत सारे जलाशय हैं, भरतपुर, बच्चों याद रखिए, भरतपुर घाना में एक बहुत बड़ी बर्ड सेंचुरी है, तो वहां सारे पक्षी आते हैं, भोपाल की झीलों में भी आ जाते हैं और वापस गर्मी आने पर वापस लौट जाते हैं। इसे हम पक्षियों का माइग्रेशन कहते हैं। पार्कर हासवेल ने इनको दो क्लास, सब क्लासेस में और 33 ऑर्डर में डिवाइड किया है। पहली क्लास है आर्कियोनिथीज, जो विलुप्त हो चुके हैं। नियोरनिथीज में कुछ खास हम ऑर्डर्स की चर्चा यहां करेंगे, जिसमें सभी मॉडर्न वर्ड्स को रखा गया है। और इसमें बच्चों दो नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, एक है रेटाइटी, जिनको हम फ्लाइटलेस बर्ड्स कहते हैं, दे आर कॉल्ड रनिंग बर्ड्स, तेजी से दौड़ने वाले पक्षी, और इसमें शुतुरमुर्ग का नाम सुना होगा आपने, ऑस्ट्रिच, कीवी, रिया, ये सब आते हैं। और कुछ ऐसे भी पक्षी हैं जिन्होंने उड़ना तो छोड़ दिया लेकिन पानी में तैरना शुरू कर दिया, उसमें पेंगुइन का नाम आता है। पेंगुइन जो है ये आपने देखा होगा, ये ध्रुवीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। और इसी प्रकार से कैरेनेटी के अंतर्गत सारी की सारे पक्षी, कबूतर है, पीकॉक है, पीकॉक का बच्चों जूलॉजिकल नेम नोट कर लीजिए, पेवो क्रिस्टेटस, ये हमारा नेशनल बर्ड है। और उसके नीचे मैंने दूधराज लिखा है, बच्चे याद रखें, ये हमारे मध्य प्रदेश का राज्य पक्षी है, इसका जूलॉजिकल नेम है पैराडाइज फ्लाई कैचर। तो ये दो नाम अच्छे से याद रखें, पीकॉक पेवो क्रिस्टेटस और दूधराज पैराडाइज फ्लाई कैचर। यहां पर देखो ये आर्कियोप्टेरिक्स आपको दिखाई दे रहा है, इसके बाद में देखिए ये ऑस्ट्रिच है, अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ घूम रहा है, देखिए ऑस्ट्रिच को। और ये कीवी है जो न्यूजीलैंड में पाया जाता है, है ना, जब वहां की टीम आती ना क्रिकेट की तो अपन कहते हैं कीवियंस, उसी से उनको कहा जाता है, न्यूजीलैंड के लोगों को कीवियंस कहते हैं। और ये बाकी पक्षी आपको दिख रहे हैं, और ये देखिए लेफ्ट साइड में जो चित्र देख रहे हो बच्चों, ये हमारा है पैराडाइज फ्लाई कैचर, और दाहिने साइड में जो चित्र देख रहे हो ये है हमारा मोर, जिसको पेवो क्रिस्टेटस कहते हैं। तो दूधराज जो है ये शिवपुरी के पास आपको ये जंगलों में मिलेगा, और इसके संरक्षण में बहुत काम हो रहा है, लंबी सफेद पूंछ है इसमें, देखिए आप देख रहे होंगे। बर्ड्स की ये सारी बातें आप याद रखें जो मैं बता चुका हूं। अब अपन लोग बहुत जल्दी चर्चा करते हैं मैमल्स के ऊपर, कि मैमल्स की लगभग 50,000 जातियां हमारे पास हमको ज्ञात हैं, सबसे ज्यादा विकसित, और इनमें खास बात मेमोरी ग्लैंड्स की प्रेजेंस, और साथ ही साथ इनमें यंग वंस को फीड करने के लिए मेमोरी ग्लैंड्स हैं, शरीर पर हेयर्स हैं, और इन ये भी कैसे हैं, होमियोथर्मिक हैं, वार्म ब्लडेड हैं, और इनकी क्रेनियल कैविटी सबसे बड़ी है। बच्चों क्रेनियल कैविटी का मतलब जिसमें ब्रेन बॉक्स, जिसमें ब्रेन बंद है, और हमारा जो ब्रेन है ना उसमें एक रचना है सेरेब्रल कॉर्टेक्स, जो सेरेब्रल हेमिस्फीयर है उसकी सीलिंग पर है। यू नो द थिकनेस ऑफ सेरेब्रल कॉर्टेक्स दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द IQ। ये सेरेब्रल कॉर्टेक्स पहली बार इन मैमल्स में डेवलप हुआ है, इसलिए तरह तरह के हम लोग बिहेवियर शो करते हैं, एनिमल बिहेवियर के हम लोग क्लासिक एग्जांपल्स हैं। पल्मोनरी रेस्पिरेशन पाया जाता है, फोर चैम्बर्ड हार्ट है, डबल सर्कुलेशन है ब्लड का, और हम लोग में से बहुत सारे जो है मैमल्स वो बच्चों को जन्म देते हैं प्रोटोथीरियंस को छोड़ करके। टॉप लेवल ऑफ कंज्यूमर है अपन लोग। यहां पर देखिए सब क्लास है प्रोटोथीरिया, एलोथीरिया, थीरिया, और जिसमें आप प्रोटोथीरिया में उन मैमल्स को देखेंगे जो अंडे देने वाले प्राणी होते हैं, जिसमें एकिडिना और प्लेटिपस हैं, और थीरिया में पेंटोथीरिया, मेटाथीरिया, यूथीरिया। तो इसमें जो मेटाथीरिया और यूथीरिया है उसमें मेटाथीरिया जो है वो नवजात शिशुओं को जन्म देते हैं, और उनके परिवर्धन के लिए इनमें एक थैली पाई जाती है, इसको मार्सुपियम कहते हैं। आप समझ गए होंगे बात किसकी हो रही है, कंगारू की। जूलॉजिकल नेम है मैक्रोपस। तो मैक्रोपस जो ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं इनको हम मेटाथीरियंस कहते हैं। यूथीरियंस जिनको प्लेसेंटेल्स कहा जाता है ये बच्चों को जन्म देने वाले हैं,
और इनमें एक सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्डर है पहला प्राइमेट्स, जिनमें बाइनोकुलर विजन है, होमोसेपियंस है और काइरोप्टेरा है जिसमें चमगादड़ भी है। और यहां पर दो चीजें सब बच्चे ध्यान रखें, जब पूछा जाता है तो हम लोग अच्छा भी नहीं लगता जब कोई बच्चा सही जवाब नहीं देता है, कि देखिए बच्चों चमगादड़ जो हवा में उड़ती है ना वो है मैमल्स, सब लोग नोट कर लें, इसको टीरोपस कहते हैं और इसको काइरोप्टेरा ऑर्डर में रखा गया है यूथीरिया में। और इसी प्रकार जो समुद्रों में वेल पाई जाती हैं, डॉल्फिन्स पाई जाती हैं, ये सब की सब क्या है, मैमल्स हैं, जिनको सेटेसिया ऑर्डर में रखा गया, इनको मछली मत बोलिएगा आप, ठीक है। तो चमगादड़ को पक्षी नहीं बोलना है और वेल को मछली नहीं बोलना है, ये ध्यान रखिएगा, तभी हमारा उद्देश्य पूरा होगा इस वर्गीकरण को पढ़ाने का। अब जो यूथीरियंस हैं उसमें एलिफेंट भी है प्रोबोसिडा में, और उसके बाद कार्निवोरा एक हमारा ऐसा ऑर्डर है जिसमें टाइगर को रखा गया है, पैंथ्रा टाइगर, पैंथ्रा लियो, पैंथ्रा पार्डस, और ये कुछ मैंने मैमल्स के चित्र भी आपके सामने रखे हैं, ये और भी चित्र देखिए मैमल्स के। और उसके बाद ये मार्सुपियम है, देखिए कंगारू आपको दिख रहा है, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ये कुछ बातें हैं याद रखने की, आप याद रखेंगे एक अच्छी बात जनरल नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से, कि प्लेटिपस और एकिडना ये पॉइजनस मैमल्स हैं, ये आप नोट कर लीजिएगा कहीं पर, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये कुछ जूलॉजिकल नेम मैंने आपके लिए लिखे हैं कि चूहे को क्या कहते हैं, बिल्ली को क्या कहते हैं, कुत्ते को क्या कहते हैं, देखिए लिखा हुआ है, रेटस रेटस, फेलिस डोमेस्टिकस, कैनिस ल्यूपस, बोअस इंडिकस, बुअस बुबेलस, एलिफस इंडिका, ये नाम याद करिए। और अब मैं सोच रहा हूं आपसे कुछ सवाल पूछ लिए जाए पूरी बात बताने के बाद, तो सब लोग तैयार हो जाएं और देखें स्क्रीन की तरफ। पहला सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट इन ऑल कॉर्डेट्स, ऐसा कौन सा लक्षण है जो सभी कशेरुक प्राणियों में पाया जाता है। जो बच्चा उत्तर देना चाहता है वो हाथ ऊपर करे, तो हम उस कॉलेज से बात कर लेंगे जल्दी से। कौन देगा जवाब? हाँ, ये शाजापुर वाले जल्दी से खड़े हो रहे हैं, बताओ बेटा, बोलो 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 बोलो। बिल्कुल सही उत्तर दिया और अच्छा भी लगा कि भाई नोटोकॉर्ड एक ऐसी रचना है जो सभी कशेरुक प्राणियों में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर टू, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज टेल्ड एम्फीबिया, इनमें से कौन सा एम्फीबिया है जो टेल्ड है, कौन बताएगा, पूंछ वाला एम्फीबिया कौन सा है, छतरपुर के बताएंगे कोई, सामने दिख रहा है अभी हमको छतरपुर, हाँ ये हाथ ऊपर कर रही है बिटिया, बोलो बेटा, बच्चे खड़े होके बोलो, आ जाओ, हाँ बोलो बोलो, हाँ बोलो, यस एम्बास्टोमा, जोर से बोला एम्बास्टोमा, सेलामेंडर भी है ये, जिसका चित्र अपन लोगों ने देखा था, बिल्कुल सही जवाब दिया इन्होंने कि ये कैसा है, पूंछ वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन लोग लेते हैं, आगे स्लाइड रुक गई है, थोड़ा स्लाइड को देखें अपन आगे। अगला क्वेश्चन मैं आपसे एक और पूछता हूं कि आप किसी ऐसे एम्फीबियन का नाम बताइए जो जिसमें पूंछ नहीं पाई जाती है, जिसमें पूंछ नहीं होती है, ये तो पूंछ वाले एम्फीबियन की बात हो गई, अब जिसमें पूंछ समाप्त हो जाती है, कौन बताएगा, टेललेस का, बहुत इजी है, बताओ भाई किसको पता है, हाइला है, और नाम बताओ, राना टिग्रीना है, राना टिग्रीना, बिल्कुल सही उत्तर दिया। अगला सवाल है कि त्वचीय श्वसन किसमें पाया जाता है, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन इज फाउंड इन, बताओ बच्चों कौन बताएगा, ये विकल्प आपके सामने है, हाँ हाँ बोलो बेटा, खरगोन से कोई जवाब देना चाह रहा है, पीजी कॉलेज खरगोन, हेलो सर, हाँ एक मिनट, हाँ बेटा, हाँ फ्रॉग सही उत्तर दिया है इन्होंने, मेरे ख्याल से खरगोन वाले भी यही उत्तर देना चाह रहे थे, फ्रॉग, और बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब जिन्होंने फ्रॉग बोला है वो थोड़ा खड़े हो जाए, थोड़ा छतरपुर के विद्यार्थी, अच्छा माइक ले लिया उनसे, तो ये जो त्वचीय श्वसन है, ठीक है ना, ये मेंढक में फ्रॉग में पाया जाता है, तो फ्रॉग कब करता है क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, किस अवस्था के समय, मतलब नॉर्मल में इसी से करता है कि विशेष मौकों पर करता है त्वचीय श्वसन, मालूम है, हेलो सर, विशेष पानी में रहेगा, जब पानी में रहेगा, बड़वानी से बोल रहे हैं, नहीं पानी में, हाँ बताइए बताइए, जब वाटर में रहेगा सर, देखिए जब ये पानी में रहेगा या हाइबरनेशन पीरियड में जब ये रहते हैं, है ना, निष्क्रियता के समय, और एक चीज और बता दें, जब ये संकट के समय रहता है ना, कि अगर किसी कमरे में आपने मेंढक को सोचा पकड़ ले, तो आप देखोगे कि उसका जो बक्को एपिथिलियम है वहां से श्वसन करता है, और साथ ही साथ वो पूरी त्वचा से भी ऑक्सीजन लेने की कोशिश करता है, क्योंकि वो घबराया हुआ रहता है, ठीक है, स्ट्रेस के समय में। अगला क्वेश्चन हमारा है कि चौथे नंबर का क्वेश्चन, कि इनमें चार विकल्प में से कौन सी वेनुमस लिजर्ड है,
विकल्प है आपके सामने केलोट्रस, हेलोडर्मा, वेरेनस और ड्रेको। कोई बताएगा इसमें से? हाँ सर, सर बोलो एसएन कॉलेज खंडवा, फर्स्ट बी हेलोडर्मा। बिल्कुल सही उत्तर दे दिया खंडवा कॉलेज से, थैंक यू बच्चे, बहुत सही उत्तर दिया आपने, हेलोडर्मा। ठीक है, और इसमें एक ड्रेको जो है, एक मिनट रुको ना, खंडवा से ये ड्रेको को क्या कहते हैं हम लोग, ड्रेको की विशेषता बता सकते? फ्लाइंग लिजर्ड, उड़ने वाली लिजर्ड। तुमको मालूम है कहाँ पाई जाती है भारत में ये? ये आसाम में पाई जाती है, ये मैं बता रहा हूँ तुमको, है ना, आसाम में पाई जाती है। पांचवा क्वेश्चन है, स्नेक्स बिलोंग टू फॉलोइंग ऑर्डर, जो सर्प है हमारे स्नेक्स, वो इनमें से किस वर्ग ऑर्डर को, गण को से संबंधित है? चिलोनिया, क्रोकोडिलिया, स्क्वेमेटा और रिंकोसिफेलिया। स्क्वेमेटा, बिल्कुल सही जवाब दिया, स्क्वेमेटा। तो अब तुम एक चीज और बताओ, सब ऑर्डर क्या है इसका? स्क्वेमेटा तो हो गया ऑर्डर, और सब ऑर्डर, क्योंकि स्क्वेमेटा में लिजर्ड्स को भी रखते हैं और स्नेक्स को भी रखते हैं, तो दो सब ऑर्डर है। तो बताओ भैया स्नेक्स का सब ऑर्डर कौन बताएगा? पीजी कॉलेज बड़वानी। हाँ, पीजी कॉलेज बड़वानी, ओफिडिया, बिल्कुल सही उत्तर दिया इन्होंने, और लिजर्ड्स को रखा गया है लेसर्टिलिया में। ओके, अगला छठवां क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रीय पक्षी इन चारों में से कौन है? आपके विकल्प हैं सिटेकुला, पेवो, गेलस, कोलंबा। पेवो, कॉलेज खरगोन से पेवो। अच्छा, खरगोन से भी सही जवाब दिया, पेवो बता रहे हैं, पूरा नाम है पेवो क्रिस्टेटस। ओके, और सही उत्तर दिया आपने, बहुत बढ़िया, सही उत्तर है ये, इसको मोर कहते हैं। सातवां क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा पक्षी उड़ने में सक्षम नहीं है, फ्लाइटलेस है, बताओ, जिसको हमने रेटाइटी में रखा हुआ है। चार विकल्प हैं, पिजन, डक, पैरट, ऑस्ट्रिच। पीजी कॉलेज बड़वानी, पीजी कॉलेज बड़वानी, हाँ खरगोन भी सही कह रही है बिटिया, आवाज तो नहीं आई लेकिन एक्शन से समझ में आ गया, ऑस्ट्रिच कहना चाह रही है। तो ऑस्ट्रिच बिल्कुल सही जवाब दिया आप सभी लोगों ने। अब जल्दी से बताओ कि भारत अपने मध्य प्रदेश का राज्य पक्षी क्या है, स्टेट बर्ड ऑफ मध्य प्रदेश। दूधराज, बिल्कुल सही। और जूलॉजिकल नेम क्या है दूधराज का? फ्लाई शेकर, फ्लाई शेटर, फ्लाई शेकर नहीं, फ्लाई कैचर, पैराडाइज फ्लाई कैचर। स्पेलिंग भी अच्छे से लिखना, गलती नहीं करना इसमें, है ना, बिल्कुल सही जवाब। अब बताओ नौवां क्वेश्चन, बैट या टीरोपस किस क्लास में बिलोंग करता है? मैमल्स। हाँ तो भैया ये गलती कोई भी मत करना, जितने लोग यहाँ सुन रहे हैं इस लेक्चर को, चमगादड़ जिसमें इको लोकेशन पाया जाता है, और ये जो है मैमल्स में है। और मार्सुपियम किस में पाया जाता है बताओ जल्दी से? मैमल्स, मार्सुपियम नहीं, कंगारू। कंगारू है बिल्कुल सही उत्तर। और मानव का जूलॉजिकल नेम क्या है? होमो सेपियंस, बिल्कुल ठीक। और इन चारों में से कोल्ड ब्लडेड है ये उत्तर? स्नेक, स्नेक बिल्कुल सही जवाब। आप सब ने, मैं समझता हूँ कि अब समय चूंकि बच्चों बहुत कम था, तो हम आपके सवाल और अगले व्याख्यान में आपसे, आप अपनी जिज्ञासा को नोट करके रखिएगा और बिल्कुल पूछिएगा आप, है ना, स्वतंत्र है आप पूछने के लिए। तो अपन लोग अगले व्याख्यान में मिलते हैं, इसी के साथ ये व्याख्यान यहाँ समाप्त करते हैं, है ना बच्चों, थैंक यू, धन्यवाद। बोल रहे कि वहां सुनी रही।